इस क्वेश्चन को देखिए, वन अपॉन एक्स इंटू रूट ओवर लॉग एक्स का स्क्वायर, देखो लॉग एक्स का पूरा, लॉग एक्स का स्क्वायर है, लॉग एक्स का होल स्क्वायर है, माइनस फाइव। तो इसका जो आंसर है लॉग ऑफ मॉड ऑफ लॉग एक्स प्लस रूट ओवर लॉग एक्स का स्क्वायर प्लस फाइव प्लस सी है। ठीक है, खुद से ट्राई करिए, वीडियो पॉज करके। हिंट ये है कि लॉग एक्स को आप टी पुट कर लीजिए, तो लॉग एक्स को अगर आप टी पुट करोगे तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव एक्स के स्क्वायर में वन अपॉन एक्स, और टी का हो जाएगा क्या, डी टी बाय डी एक्स। ओके, डी एक्स को आप इधर भेज सकते हो, तो क्या हो जाएगा, वन अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू व्हाट, डी टी। तो आप ध्यान से करिए, ये देखिए, ये इस पूरे की जगह वन अपॉन एक्स डी एक्स की जगह वन अपॉन एक्स डी एक्स की जगह आप लोग डी टी लिखेंगे, तो आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ इसकी जगह हो गया क्या, डी टी और अपॉन में रूट ओवर लॉग एक्स को आपने टी पुट किया, तो लॉग एक्स का स्क्वायर था यानी कि टी का स्क्वायर माइनस फाइव किसका स्क्वायर है, रूट फाइव का स्क्वायर है। ओके, फाइव किसका स्क्वायर है, रूट फाइव का स्क्वायर है। तो बस अब इसका आंसर आ जाएगा, ये वन अपॉन किस टाइप का, रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टाइप का, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ आ जाएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स एक्स या टी प्लस रूट ओवर टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का मतलब रूट फाइव का स्क्वायर और प्लस सी। सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी की जगह आपने लॉग एक्स रखा था प्लस स्क्वायर रूट ऑफ टी की जगह लॉग एक्स रखा था यानी कि लॉग एक्स का स्क्वायर और माइनस रूट फाइव का स्क्वायर क्या होता है, फाइव प्लस सी। अब कुछ बच्चे यहाँ चालाकी करेंगे क्या, वो बोलेंगे सर लॉग एक्स का जो स्क्वायर है हम इसको क्या करेंगे, 2 को आगे ले आएंगे और 2 log x लिख देंगे। जी नहीं, सुनिए, वो अलग चीज़ होती थी। log x का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि भाई log x की जो वैल्यू है उसको हमने मल्टीप्लाई किया किससे, log x से, और 2 आगे कब लाते थे, तो दिस इज़ नॉट इक्वल्स टू दिस। ओके, 2 हम तब लाते थे जब log m की पावर n होता था, तो हम n को आगे ले आते थे यानी कि n log m ऐसा होता था। मतलब अगर ऐसा होता, कैसा, log अगर x पे स्क्वायर लगा होता केवल, log ऑफ x का स्क्वायर, तो log m की पावर n, तब ये n आ गया जाता है यानी कि 2 आ गया जाता, तो 2 log x हो जाता। ठीक है, अभी आप इस 2 को आगे नहीं ला सकते बिकॉज ये log x का होल स्क्वायर है, मतलब log x इन टू log x है। ओके,